Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम सब अनाथ हो गए देवी, देवी कौन आया है? नंदी जी, पुष्पनंद जी, शिवगण, आप सब यहां, स्वागत है आपका। नंदी जी, आप सब लोग इतने दुखी और उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब कुशल तो है ना? नहीं शिवन, हम सबके जीवन में दुख और उदासी का चीरकाल तक रहने वाला घरा अंधकार छा गया। हमारा संबल समाप्त हो गया है, सारा छिन गया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं नंदी जी। ऋषिवर, प्रभु के बाल रूप धारण करने के पश्चात जिनके आश्रय और कृपा के सहारे हमारा जीवन टिका है, वो पूछने माता भी हम सभी को छोड़कर ऋषि कात्यायन के पास चले गए। हाँ, ये तो पता चला था कि वो कात्यायनी के रूप में। हाँ ऋषिवर, प्रभु के यहाँ चले आने के बाद जिनकी सेवा से हमारा प्रातः प्रारंभ होता था, हमारे जीवन में कलरव था, जब वही चली गई, अब ईश्वरहीन, पूजाहीन, सेवाहीन जीवन का क्या अर्थ ऋषिवर? ले, जिनकी बात कर रहे थे वो लोग आ गए। वृषभासुर, कहो क्या उपहार चाहिए? क्षमा कीजिएगा भ्राता, परंतु उपहार, प्रशंसा और प्रशस्ति पत्र पर केवल योग्य और सफल उम्मीदवार का अधिकार होता है। अचामुखी, क्या आशा है तुम्हारा? यही कि वृषभासुर असफल होकर लौटा है। वृषभासुर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्षमा करना सुरराज, यदि वो बाल शिव विश्वनाथ। बंद करो अपनी ये बकवास और मुझे ये बताओ कि बाल शिव वहां आया कैसे? वो तो अपनी मां के वचन के बंधन में बंधा हुआ है। द्वारका, कात्यायनी कोई साधारण बालिका नहीं है, आदि शक्ति का बाल रूप है वो। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है, जहां एक होगा वहां दूसरे की उपस्थिति किसी न किसी विध होगी ही। इसीलिए तुझे अपनी सफलता के लिए कोई दूसरी प्रभावी चाल सोचनी होगी। परंतु ऐसी कौन सी चाल चली जाए माता, क्योंकि बाल शिव तो भ्राता की सारी चालें निष्प्रभावी करते जा रहा है। चुप कर जा मुखी, अति तालाब बंद कर और भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर, और जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन। तुम दोनों को एक साथ संगठित होकर कार्य करना है। एक बाल शिव को उलझाएगा, भटकाएगा, और दूसरा उसी अवधि में उस असहाय, निरी, चेतनाहीन कात्यायनी को नष्ट करेगा। प्राता, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बाल शिव, तुझे मिटना होगा। मेरी सफलता और विजय के लिए तुझे मिटना होगा। महादेव और आदिशक्ति दोनों ही स्मृतिहीन और शक्तिहीन हो चुके हैं, और ऐसे में असुरी शक्तियां शांत नहीं बैठेंगी।
अवश्य ही इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी। और ऐसे में यदि किसी असुरी शक्ति ने माता का अहित कर दी तो इस ब्रह्मांड को विनाश के अंधकार में डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध कि माता को मुक्त कर दीजिए और उन्हें वापस अपने स्थान पर भेज दीजिए। मत भूलिए देवराज, जिस आदि शक्ति पर आसुरी संकट की बात आप कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है। उस सर्वशक्तिमान पर संकट आने की आशंका जता रहे हैं आप? ऋषिवर, आप शक्त हैं इसीलिए ऐसा मानते हैं, जबकि वैष्णव और शिव अपने इष्ट महादेव और नारायण को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। और विडंबना तो यह है कि आदिशक्ति और त्रिदेव सबकी स्मृतियां सुप्त हैं, जिसके कारण उनमें और एक साधारण प्राणी में कोई अंतर नहीं रह गया है। जाइए, जाकर त्रिदेवों की स्मृति और शक्तियां जागृत कर सामान्य और असामान्य के बीच का अंतर मिटा दीजिए और बचा दीजिए इस ब्रह्मांड को। परंतु फिर कभी माता को मुक्त करने या वापस भेजने की बात मत कहिएगा। चले जाइए यहां से। ठीक है ऋषिवर, हम यहां से जा रहे हैं, किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जब बाल शिव आएंगे माता कात्यायनी को वापस ले जाने के लिए तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और वो पल शीघ्र आएगा। शिव इतना शांत क्यों है? मुझे जलकर इस शांति का कारण जानना होगा। मित्र शिव, बिना ध्यान के किस ध्यान में हो? किसी ध्यान में नहीं मोर। कहो, जब से तुम पुष्प लेकर आए हो बिल्कुल शांत हो। शांति में भी एक कोलाहल होता है मोर। मैं उस कोलाहल के बीच चिर परिचित स्वर को पहचानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं अपने भीतर के अपने उद्वेलन के कारण को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण स्पष्ट है मित्र, तुम्हारे मन में मित्र के बाल रूप को देखने की उत्कट अभिलाषा है। उस स्थान पर जाकर भी तुम बिना देखे वापस आ गए उसकी पीड़ा है। नहीं मोर, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संकल्प तोड़ने की पीड़ा से अधिक दुखदायी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं होती। इसलिए तुम अपनी उस वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहे हो, पर दब नहीं पाएगा। मित्र, मेरी बात मानो, इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए मन की इच्छा को पूरी कर लो। जाओ, जाकर देखाओ मित्र को, इस कार्य में तुम्हारा त्रिशूल तुम्हारी सहायता करेगा। मेरी इच्छा से सर्वोपरि माँ की इच्छा है, ना मैं उनकी इच्छा को तोड़ सकता हूँ ना अपने संकल्प के बंधन को। इसका तुम दुख के भंवर में डूबते उतराते रहोगे। भावनाओं का ज्वार नैसर्गिक है मोर,
समय पे आता है तो समय के साथ चला भी जाता है। मेरे दुख से तुम दुखी मत हो। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा तुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयन्ति। माँ आप प्रसन्न होती हैं तो हर रोग हर कष्ट नष्ट हो जाता है, परंतु जब आप कुपित होती हैं तो सारे सुख सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। आपकी शरण में आने वाला दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। मां इसलिए ये रोगी जो आपकी शरण में आया है इसका रोग हर लीजिए। मां 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 मेरे कष्ट हर लो, मां मेरे कष्ट हर लो। माता की शरण में आए हो तो कष्ट से मुक्ति तो अवश्य मिलेगी तुम्हें। इस संसार के समस्त प्राणियों के कष्ट हरने के लिए ही तो माता आदि शक्ति ने मेरी पुत्री के रूप में जन्म लिया है इस धरा पर। कल्याण करो मां, मां गुरुजी। कल्याण मस्तु। क्षमा करे ऋषिवर, मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ। कहो छात्र। ऋषिवर, जो माता शिव की सत्ता का प्रदर्शन और प्रतिनिधित्व करे वह माता हो सकती है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है छात्र? हमारे आश्रम की माता श्रीदेव और ऋषिवर की पुत्री कात्यायनी ने तो गले में शिव का रुद्राक्ष धारण किया है। असंभव। क्षमा करे ऋषिवर, मैं आंखों देखे कह रहा हूँ। मुझे तो वो कोई मायावी शक्ति लग रही है जो हमारी आस्था को चुनौती देने आई है। बस छात्र बस, मेरी पुत्री साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए मेरी पुत्री कात्यायनी के विषय में बोलने से पहले ठीक सोच विचार लेना। शिव, तेरे लिए भोजन लाई हूँ। भोजन करने की इच्छा नहीं है माँ, और जिस कार्य को करने की इच्छा ना हो उसे नहीं करना चाहिए। आपने ही तो सिखाया है माँ। इच्छा अनिच्छा में परिवर्तित तब होती है जब व्यक्ति के मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता, जब उसके पसंद की कोई वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती, उसे दूर किया जाता है। क्या तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है शिव? मुझे तो सब प्राप्त है माँ। माँ का आंचल, माँ की ममता, माँ का दुलार, सब कुछ।
फिर सब लोग क्यों कहते हैं कि तेरे मन में कुछ है जो जो तू व्यक्त नहीं कर रहे? संसार का काम है कहना। आपकी आत्मा क्या कहती है माँ? लोगों की बात सुनकर मुझे भी कभी कभी लगता है कि तेरे मन में कुछ है, कोई दुख, कोई व्यथा जो तू मुझसे छिपा रहा है। माँ आप जननी है, आपकी आज्ञा सर्वमान है मेरे लिए, परंतु मित्र की स्मृति उनसे एक प्रकार की विशेष अनुभूति से जुड़े होने का भाव है जिसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ माँ। मुझे हमेशा ये अनुभव होता है उन्हें मेरी आवश्यकता है। आपने अपनी कृपा से उस कुष्ठ रोगी के कष्ट हर लिए मां, आपकी कृपा आपके बस। मां ये क्या हो गया मां? मां आपके शरीर पर ये क्या हो रहा है मां? मां ये क्या हो रहा है मां? मां ये आपके शरीर पर क्या हो रहा है मां? मां ये क्या हो रहा है आपको? संदीपन शीघ्रता से कोई वैद्य को लेके आओ। माँ माँ आप ठीक तो हो? माँ क्या हो रहा है आपको? माँ संदीपन वैद्य जी मेरी पुत्री को औषधि देके शीघ्रता से स्वस्थ कर दीजिए। वैद्य जी क्या हो गया माँ? माँ आगे बोलो, माँ माँ आगे बोलो, माँ क्या हो रहा है? माँ आप ठीक तो हो? माँ माँ आगे बोलो। वैद्य जी देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ, मेरी माँ को क्या हुआ? माँ माँ आगे बोलिए, माँ ये क्या हो गया? देवी हरे ऋषिवर आप आ गए, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। कोई विशेष कारण देवी? यहाँ सब कुशल तो है ना? सब कुशल है, मुझे आपको एक शुभ समाचार देना था। अति शीघ्र सुनाइए देवी। देवी अदिति के यहाँ से निमंत्रण आया है यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है देवी। ये यज्ञ कब है? 3 दिन बाद पंचमी तिथि को। ओह, तो ठीक है, आप जाने की तैयारियां कर लीजिए और मेरे विचार से आपको कल ही निकलना होगा। यज्ञ में मैं अकेली नहीं जाऊंगी ऋषिवर, हम सबका निमंत्रण है। ऋषिवर क्या सोचने लग गए? देवी मैं यही सोच रहा था कि इस यात्रा पर आप अपने बाल शिव को साथ ले जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। एक नए परिवेश में जाकर उसका मन बहल जाएगा। हाँ परंतु आपका भी तो निमंत्रण है देवी। परीक्षाएं निकट हैं और यदि ऐसे समय में मैं गुरुकुल से अनुपस्थित रहूंगा तो विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित हो जाएगा, इसलिए यही उचित होगा देवी।
कि आप शिव को लेकर इस यात्रा पर अकेली चली जाए। पिताश्री कहाँ जाने की बात कर रहे हैं माँ? देवी अदिति ने यज्ञ का निमंत्रण भेजा है, वहाँ तू और मैं जा रहे हैं। कब जाना है माँ? कल। ठीक है माँ। माता अनुसुईया संभवतः ये नहीं जानती कि देवी अदिति के घर का मार्ग कात्यायन ऋषि के आश्रम से होकर ही जाता है। चल, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन परोसती हूँ। जहाँ प्रभु की देवी गिरिजा बाल कात्यायनी के रूप में विद्यमान है, इस सुअवसर को मैं सफल बनाऊंगा। भेष बदलकर ऋषि कात्यायन के आश्रम जाऊंगा और अपनी माता एवं देवी कात्यायनी को अपने प्रभु महादेव से मिलवा कर रहूंगा। खा लीजिए माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, क्षमा क्षमा, जय माँ। क्षमा माँ, आपकी शरण में आने में बहुत विलंब हो गया मुझसे माँ, परंतु मैं अब सब छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ माँ। सदा सदा के लिए मैं आ गया हूँ आपकी शरण में माँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम आचार्य। उठिए। आपके आने का उद्देश्य? सेवा के उद्देश्य से आया हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम में रहकर शिक्षा और माँ की सेवा करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे यह सुअवसर देंगे तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। समझूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। आचार्य, आपके इस पुनीत भाव की मैं सराहना करता हूं। स्वैच्छिक सेवा कार्य से किसी को भी वंचित रखना अधर्म है। आज से आप हमारे आश्रम के शिक्षक हुए। ये मेरा शिष्य संदीपन आपको आपका कार्यभार समझा देगा। आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। एक शिव द्रोही को शिव को चुनौती देने हेतु ये सर्वोत्तम स्थान देकर आपने जो स्वर्णिम अवसर मुझको दिया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद ऋषि कात्यायन। शिव तैयार हो जा दंड पानी के हाथों परास्त होने के लिए। अस्तित्व मिटा दूंगा अब मैं तुम्हारा इस संसार से शिव, और अपना संकल्प पूरा करूंगा। यही सही अवसर है ऋषि कात्यायन के मन मस्तिष्क में शिव के प्रति शत्रुता का विष घोलने का। ऋषिवर, आदिशक्ति दया करें कि मेरा संदेह सत्य न हो। कैसा संदेह? मुझे अधूरी बात और अधूरा कार्य पसंद नहीं है। ऋषिवर, मेरा अनुमान है कि शैव मत वालों ने इस देवी क्षेत्र में अपने बहुसंघ के गुप्तचर छोड़ रखे हैं। उनके गुप्तचरों का मेरी पुत्री से क्या संबंध है? गहरा संबंध है ऋषिवर। वो माँ कात्यायनी को आपसे दूर करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो उनमें से कोई जीवित नहीं बचेगा आचार्य। रक्षको, सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे देवी क्षेत्र में शैव मत के गुप्तचर फैले हुए हैं। तुरंत जाओ और हमारी मां को ढूंढकर सकुशल हमारे पास ले आओ।
माँ कहाँ चली गई थी आप? बिना बोले बिना कहे कहाँ चली गई थी माँ? माँ ठीक तो है ना माँ? और ये क्या है आपके हाथ में? ये पत्थर किसने दिया आपको? माँ बताइए ना माँ, ये किसने दिया है आपको माँ? ना माँ, मेरा संदेह सत्य निकला। ये शैव गुप्तचरों का षड्यंत्र है ऋषिवर। संदीपन, इसे देवी क्षेत्र से बाहर रख दो। आइए मां, आपके कक्ष में चलते हैं। आज के उपरांत आप सदैव मेरी आंखों के सामने ही रहेंगी, कभी इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।